हेलो एवरीवन, जी स्टार व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित सिद्धवट मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। यहाँ तीन तरह की सिद्धि होती है, संतति, संपत्ति और सदगति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। सदगति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और संतति अर्थात पुत्रों की प्राप्ति के लिए उल्टा सतिया या स्वास्तिक बनाया जाता है। यह वृक्ष तीनों प्रकार की सिद्धि देता है, इसलिए इसे सिद्धवट कहा जाता है। पार्वती माता के पुत्र कार्तिक स्वामी को यहाँ पर सेनापति नियुक्त किया गया था। यही उन्होंने तारकासुर का वध किया था। संसार में केवल चार ही पवित्र वट वृक्ष हैं। इलाहाबाद में अक्षयवट, मथुरा वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट जिसे बौद्ध वट भी कहा जाता है, और यहाँ उज्जैन में पवित्र सिद्धवट। वर्तमान में इस सिद्धवट को कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान, कालसर्प के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। दोस्तों, इस ब्लॉग में हमने सिद्धवट मंदिर के दर्शन किए, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी थी इसकी, पंडित जी ने बताई। और दोस्तों, बहुत अच्छा लगा है। मतलब सारे मंदिर हमारे भारत के इतने प्रसिद्ध हैं, इतने फेमस हैं, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ हमारे देश के मंदिरों के बारे में। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग जो अभी नहीं जानते हैं इन मंदिरों के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं तक है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।